हेलो फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गेट फॉर यू में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो हम लोगों को पता है कि जो हमारा कैश मेमोरी होता है हमारे मेन मेमोरी से छोटा होता है, तो हमें हमेशा ख्याल रखना पड़ता है कि हम जो कैश मेमोरी में स्टोर करने जा रहे हैं, प्लेस करने जा रहे हैं, वो हम क्या प्लेस करें। तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हमारा कैश का साइज छोटा होता है मेन मेमोरी से, और मेन मेमोरी से कुछ डाटा हमारे कैश मेमोरी में जाएगा। तो हमें हमेशा ख्याल रखना होता है कि कौन सा डेटा रखें जो आने वाले फ्यूचर में काम आए। मतलब हम हमेशा जो भी डाटा कैश में रखते हैं वो हम ये कोशिश करके रखते हैं, मतलब हमारा इंटेंशन ये होता है, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा CPU नेक्स्ट टाइम जो भी डाटा चाहे वो उसको कैश में मिल जाए। तो मतलब इसको एज्यूम करना थोड़ा मुश्किल होता है कि CPU को नेक्स्ट टाइम कौन सा डेटा चाहिए होगा, बट कुछ अल्गोरिदम होते हैं जिसकी मदद से हम लोग ये करने की कोशिश करते हैं कुछ हद तक, ठीक है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या होती है, तो मैं यहाँ बता दूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा कैश है, इसमें मान लीजिए 4 ब्लॉक है, ब्लॉक या लाइन, ठीक है, ये हमारा मेन मेमोरी है, इसमें बहुत सारे, इसमें मान लीजिए 16 है, 0 1 2 3 16 ब्लॉक है। तो इसमें सिर्फ 4 ब्लॉक है, तो इसमें सिर्फ 4 ब्लॉक फिट हो सकता है, बाकी नहीं। तो हम लोगों को हमेशा इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि हम कौन से 4 ब्लॉक को इसमें प्लेस करें कि हमारा जब CPU नेक्स्ट टाइम जो हमारे मांगे कोई भी डेटा चाहे तो उसको कैश में ही मिल जाए, उसको मेमोरी में जाना ना पड़े, मेन मेमोरी में, कैश में मिल जाएगा तो टाइम कम लगेगा, तो वो हम इस तरह से हम चाहते हैं। मान लीजिए इसमें हम लोगों ने कुछ प्लेस कर दिया 1 4 6 7, इस तरह से कोई ब्लॉक नंबर, हमने ब्लॉक नंबर का डेटा इसमें प्लेस कर दिया। फिर नेक्स्ट टाइम जो ब्लॉक दूसरा ब्लॉक नंबर का CPU ने मांग लिया हमसे कि 8 ब्लॉक नंबर का हमको डाटा चाहिए, जो कि इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें ये है, तो हमको ये जो पहले से हम पहले से जो ब्लॉक नंबर उपस्थित है, मौजूद है, प्रेजेंट है, उस किस ब्लॉक नंबर को हम रिप्लेस करें, बस यही एल्गोरिदम हमको पढ़ना है। मतलब 1 4 6 7 कैश में है ब्लॉक नंबर, मतलब 1 4 6 7 का डेटा हमारे कैश में है, ठीक है, CPU आया इसमें खोजा, CPU को चाहिए ब्लॉक नंबर 8 का डाटा, ब्लॉक नंबर 8 का डाटा देखेगा इसमें नहीं मिलेगा, मेन मेमोरी में चला जाएगा, मेन मेमोरी में जाएगा आठवां का, 8 नंबर ब्लॉक का डाटा लेगा और इसमें फिल करना चाहेगा, बट इसमें सारा फुल है, पूरा कैश फुल है। तो कैश फुल होने की वजह से हमको किसी एक ब्लॉक कैश के ब्लॉक को खाली करके उसमें आठवां नंबर का डाटा फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हम किस नंबर को खाली करें, 1 नंबर को, 4 नंबर को, 6 नंबर को, किस साथ में किसको, तो वो कुछ पॉलिसीज होती हैं, वही अभी हम लोगों को पढ़ना है कि हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि किसको खाली करते हैं, ठीक है। हम थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं। रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज रिक्वायरमेंट फॉर एसोसिएटिव मैपिंग एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग बट नॉट फॉर डायरेक्ट मैपिंग। मतलब हम डायरेक्ट मैपिंग के लिए हम लोग कोई रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं पढ़ते हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं सेट एसोसिएटिव मैपिंग के लिए, और एसोसिएटिव मैपिंग के लिए रिप्लेसमेंट पॉलिसी पढ़ते हैं। क्यों डायरेक्ट मैपिंग के लिए क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि डायरेक्ट मैपिंग आप लोग जानते हैं कि डायरेक्ट मैपिंग में कौन से लाइन में कौन सा पर्टिकुलर ब्लॉक का डेटा जाएगा, उसमें उसमें पूरा रिस्ट्रिक्शन रहता है, उसमें तो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये हमारा 1 4 6 7 भरा हुआ है, 8 आएगा, 8 का डेटा अब हमको फिल करना है, तो कैश डायरेक्ट मैपिंग में तो हमको पता है कि 8वां नंबर का डेटा कैश के किस लाइन नंबर में जाएगा, तो पूरा रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि लाइन नंबर वाइज डिवाइड होता है, लाइन नंबर स्पेसिफिकली जो पर्टिकुलर लाइन नंबर में ही पर्टिकुलर ब्लॉक का डाटा जा सकता है डायरेक्ट मैपिंग के केस में, ये तो हम लोगों को पता है। जैसे इसका फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी ब्लॉक होगा, ब्लॉक नंबर का जो भी डाटा होगा मोट करते हैं हम लाइन नंबर से, है ना, टोटल लाइन नंबर ऑफ लाइन से, टोटल नंबर ऑफ लाइन से, टोटल नंबर ऑफ लाइन से, नंबर ऑफ लाइन से, मतलब क्या होता है ये, जैसे यहाँ टोटल नंबर ऑफ लाइन 4 है, डायरेक्ट मैपिंग के केस में क्या होता है, जैसे हमारा 8 आया तो 8 mod 4 करेंगे तो इसका परसेंटेज जो आएगा 0,
तो ये हम आठ जो ब्लॉक नंबर है जब भी प्लेस होगा ये जीरो लाइन नंबर में प्लेस होगा, ये हमको पता है। तो डायरेक्ट मैपिंग में हम लोगों को रिप्लेसमेंट करने की जरूरत ही नहीं है इतना माथा पची, क्योंकि इसमें हम लोगों को डायरेक्ट मैपिंग में पता है कि कौन सा पर्टिकुलर लाइन नंबर में कौन सा ब्लॉक नंबर जाएगा, क्लियर है। इसलिए डायरेक्ट मैपिंग में हम लोग कोई रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें आपको पता है कि कैसे आप लोग को रिप्लेस करना है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन। दूसरा, रिप्लेसमेंट पॉलिसी आर एम टू मिनिमाइज मिस पेनल्टी फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जैसा कि मैंने बताया कि फ्यूचर में जो हमारे पास जो आने वाला है, डिमांड होने वाला है, वो बार बार हमको कैश में मिल जाए और हमको बार बार मेन मेमोरी में जाकर खोजना ना पड़े जिससे ज़्यादा टाइम लगेगा, वो ना हो, तो उसके मद्देनज़र उसको दिमाग में रखते हुए हम लोग ऐसा डेटा, ऐसा ब्लॉक नंबर इसमें डालते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो सीपीयू मांगना चाहे ऐसा कुछ हम लोग एल्गोरिदम्स की मदद से एज्यूम करते हैं, ठीक है, वो कह रहा है। तो यहाँ रिप्लेसमेंट पॉलिसी कितनी तरह की होती है ये देख ले, रैंडम होता है पहला, नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया रिप्लेस टू द ब्लॉक, ठीक है, मतलब उसमें कोई भी ऐसे, जैसे आठ नंबर इसमें हमको रिप्लेस करना है इन चारों में से, तो कोई सा भी कर देंगे अपने मन से, कोई भी, इसमें कोई क्राइटेरिया, कोई ऐसे नियम नहीं होता है। और जनरली ये कभी यूज़ भी नहीं होता है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इसको यूज़ नहीं करता है, तो ये यूज़ भी नहीं होता है, ठीक है। फिर सेकेंड है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो भी पहले आया होगा, मान लीजिए यहाँ वन ब्लॉक नंबर हम सबसे पहले आया, फिर चार आया, फिर छः आया, फिर सात आया, तो जो भी पहले आया होगा उससे रिप्लेस होगा आठ, मतलब जो पहले आया है वो पहले जाएगा भी, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के जरिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद है ये एल आर यू का मतलब होता है लिस्ट रिसेंटली यूज। इसका क्या कह रहा है, द ब्लॉक विच इज नॉट रिफर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम विच इज रिप्लेसमेंट, जो बहुत देर से रिफर्ड नहीं हुआ है, मतलब बहुत देर से वो ब्लॉक रिफर नहीं हुआ उसको हम लोग करते हैं। खैर इसको हम लोग जब एग्जांपल देखेंगे ना बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है, अभी आप लोग थ्योरी समझ लें बस। ये होता है लिस्ट फ्रिक्वेंटली यूज, फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार जो यूज़ हो रहा है उसको हम मद्देनजर रख के रिप्लेस करते हैं, ठीक है, सबके हम लोग एग्जांपल अच्छे से देखेंगे और हम लोग सीखेंगे। तो ये बस हमारा थ्योरी पार्ट था, रिप्लेसमेंट थ्योरी क्या होती है, पॉलिसी क्या होती है, वो मैंने बताया। अब हम सबके एक एक वन बाई वन एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, थैंक यू।